ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 26वीं त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। ना करी हो असत चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा सदा चिंतो गोविंद चरण सकल विपत्ति जाए महानंद सुख पाए प्रेम भक्ति परम कारण। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में असत चेष्टा और लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी जो भजन बाधाएं हैं उनकी बात बताकर उनका प्रतिकार और उनका निरूपण भी कर रहे हैं। क्या क्या हमसे कमियां रहती हैं जो हमारे भीतर ये इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, इन इच्छाओं के कारण जीव का कैसे पतन होता है और उसके बाद क्या इलाज है, क्या निरूपण कैसे करना चाहिए, कैसे हम इनसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जो हमारे अंदर असत चेष्टाएं हैं हम इनका कैसे निवारण कर सकते हैं। ना करी हो असत चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा। असत चेष्टा क्या है? ये जीव जितनी भी इस संसार में चेष्टाएं संसारिक चेष्टाएं जो कर रहा है उन सबको असत चेष्टाएं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब चेष्टाओं के फल जो हैं ये अनित्य हैं और क्षण भंगुर हैं। हम जो भी कुछ इस संसार में कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत चेष्टा करके अपना बड़ा घर बनाना चाहता है तो वो असत चेष्टा में उसकी गिनती होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका घर यहीं रह जाएगा। उसने बड़ा करा कि मैं ये इस तरीके से विवाह करूँगा, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, पूरा संसार जिस भी कार्य में रत है कि मैं यहाँ के लिए ये करूँ, मैं इसके लिए ऐसा कर जाऊँ, मैं उसके लिए वो कर जाऊँ, मैं अपने लिए ये कर दूँ, मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊँ, ये कर दूँ, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो ये सब संसारिक चीज़ें जो हैं इनको असत चेष्टाओं में गणना की गईगी। क्यों असत चेष्टाएँ हैं? क्योंकि ये सब क्षणिक काल के लिए हैं, क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं। हम बहुत लंबा लंबा प्लान बनाते हैं कि इतने वर्ष के बाद ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये इतने साल 10 साल आगे की 20 साल बाद ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा। आज ही जीव उसके लिए कष्ट भोगता है कि अभी थोड़ा स्ट्रगल कर लूँ लेकिन 20 साल बाद मुझे इतना इसका फल मिलेगा, 25 साल बाद, हमारी ऐसी प्लानिंग रहती है। तो ये सब जो है हमें पता ही नहीं 25 साल बाद मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, 20 साल बाद मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, अभी क्या करना है ये जीव सोचता नहीं। और अगर मान लो हमें ये करना भी है तो ये हमारा जो प्लानिंग है ये बहुत सेकेंडरी होनी चाहिए। प्राइमरी प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए कि मेरे को जो ये मनुष्य जन्म मिला है ये किस लिए मिला है, इसको पहचानना। समझ गए? असत इसलिए भी बोला जाता है कि आपकी सारी चेष्टाएं केवल इस संसार के लिए हैं और इस संसार में आप किस लिए आए हो वो आपको पता ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को वो पता है और वो अपने इस मनुष्य जीवन का कल्याण करने में रत है और उसके बाद सेकेंडरी एज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वो ये संसारिक प्लानिंग भी कर लेता है कि ठीक है ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ये सेकेंडरी है। मान लो मैं नहीं भी रहा, 20 साल बाद में नहीं भी रहता, मैं 25 साल नहीं भी रहता, तो वो मेरा बहुत सेकेंडरी प्लान था। प्राइमरी तो मैं भजन कर ही रहा हूँ और भजन में ही अग्रसर होना मेरा प्लान है। तो इस बात से भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप जिंदा ही जीवित ही आप असत चेष्टा के लिए हो और दूसरा व्यक्ति जीवित तो है अपना भजन करने के लिए, साथ में इसको ऐसे कर लेता है कि कभी कोई व्यवधान ना आए। देखो अजगर प्रवृत्ति से तो हर कोई नहीं रह पा रहा, उतनी आगे का तो भजन नहीं कोई पा पा रहा, अगर ये उतनी आगे की आज सोच नहीं रख पा रहा, हो सकता है आगे जाके उसकी ऐसी सोच हो जाए, पर डे वन से तो किसी की नहीं हो सकती। तो डे वन में अगर किसी की ऐसी चेष्टाएं हैं, ऐसी प्लानिंग है 10 साल 20 साल की, मगर वो उसके लिए अपना पूरा जीवन नहीं दे रहा है, समझ गए? उसने अपना जीवन तो जो है वो भजन में ही लगाया, यही सोचा कि मैं किस प्रकार इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकूं। एक यही योनि है जो योग योनि है, बाकी सारी भोग योनि है, बाकी सब में आप केवल भोग सकते हो और कुछ नहीं कर सकते।
मगर इसको मनुष्य योनि को योग योनि इसलिए बोला गया क्योंकि इस योनि में आप भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध पा सकते हो वापस, है ना। तो इसीलिए हमारा प्राइमरी फोकस ये जानने के लिए होना चाहिए। बहुत हैरानी होती है मुझे कि कोई व्यक्ति इतना इंट्रोस्पेक्टिव भी नहीं है कि वो अपने आप से पूछे कि मैं ये क्यों हूँ यहाँ पे, वाई आई एम हेयर वेयर आई एम, मैं क्यों हूँ इस प्लेस पे, क्यों हूँ मैं इस जगह पे, क्यों हूँ मैं, क्यों आया हूँ, मैं नहीं आता तो क्या होता, क्या ये संसार में कोई कमी रह जाती है अगर हम नहीं आते तो, कुछ नहीं होता, सारा संसार वैसे ही चलता, तो मैं क्यों हूँ। आप कहो मैं अपने बच्चे पालने के लिए मैं इसको, तो आप ना होते तो वो बच्चे भी ना आते, तो क्या ज़रूरत थी, है ना। आदमी सोचता नहीं है कि ही इज़ जस्ट अ मेयर टॉय, वो खिलौना है, लोग उससे खेल रहे हैं, तो वो खिलौना बन के बस लोगों के खिलाने के लिए आया था, वो क्यों आया था, तो क्यों आया था, जब ये सोचने लगेगा तो उसे पता लगेगा कि देखो ये सब कितने हमारे जितने ऊपर के हैं, ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए, सब जितने हमारे दादा परदादा ये वो सब आए चले गए, कितने सारे परिवार के सदस्य आसपास के चले गए। अभी तो हम सब ने कोरोना काल देखा है, उसमें कैसे लोग एकदम जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं ऐसे जीव जाए जा रहे हैं, आसपास के सब चले गए, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, एक दिन हम भी ऐसे चले जाएंगे, तो हम क्यों इतनी असत चेष्टाओं में लगे हुए हैं। मगर अगर जीव भक्त है, अगर वो भक्ति का सोचता है, जैसे यहाँ पे बाबा ने प्रश्न किया कि जो गृहस्थ भक्त है वो सद्गुण आचरण में लगा हुआ है और सद्गुरु चरण आश्रय में है और सद्गुरु चरण आश्रय में ही अपने भजन पथ पर चल रहा है, जो गृहस्थ भी है वे संसार यात्रा का निर्वाह के लिए व्यवसाय भी करता है। जो भक्त हैं श्री गुरु चरण आश्रय में भी हैं लेकिन गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ हैं तो वो नौकरी भी करेगा, ऑब्वियसली कोई बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा, कृषि कार्य आदि सब करता है, तो क्या इन सब की चेष्टाएं भी असत चेष्टाएं हैं? वो भी तो असत चेष्टा ही कर रहा है अगर वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो उत्तर में बाबा बोलते हैं कि नहीं, ये सभी जो हैं ये असत नहीं सत चेष्टाएं हैं जो ये कर रहा है। कृष्ण चरण आश्रित भक्तों का संसार श्री कृष्ण का ही संसार है, श्री कृष्ण सेवा के लिए ही उनके सारे ये गृह कार्य आदि अनुष्ठित होते हैं। तो ये वही बात है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भक्त है उसका प्राइमरी फोकस जो है वो भगवान का भजन करता है और सेकेंडरी इस जीवन का निर्वाह करने के लिए, इस शरीर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो व्यवसाय भी कर रहा है, वो नौकरी भी कर रहा है। तो इसीलिए उसकी चेष्टाएं बाहरी रूप से सेम दिख रही है, संसारिक जीव की चेष्टाएं और उसकी जीव चेष्टाएं, मगर संसारिक की जैसे असत चेष्टाएं हैं तो इसकी असत चेष्टाएं नहीं मानी जाएंगी, सत चेष्टाएं ही मानी जाएंगी, क्योंकि वो उस व्यवसाय से, उस नौकरी से, उस इनकम से जो वो कर रहा है उससे वो अपने भजन की रक्षा कर रहा है और जो उसका परिवार है उसको भी भजन में लगाने के लिए उसे जो धन चाहिए वो उस धन को कमा रहा है। स्वतंत्र भाव से आत्मपोषण के लिए नहीं है उसका धन जो है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो गुरु आश्रय में ही है, इसलिए उसकी सत चेष्टाएं हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा है, ये श्लोक आज हम तीसरी बारी इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, 11:11-24, मद अर्थे धर्म कर्म अर्थ आचरण मद उप आश्रया। जो व्यक्ति, जो भक्त मेरे को समर्पण होके अपना धर्म अर्थ काम का आचरण कर रहा है और मेरे ही आश्रय है, लभते निश्चलाम भक्ति मई उद्धव सनातने, वो मेरी भक्ति को ही फिर प्राप्त करता है, मेरी निश्चला भक्ति को प्राप्त करता है जो मेरे आश्रय में रह के ये सब कर रहा है। तो इसी से ये स्पष्ट समझ में आता है कि भक्त के जितने भी ग्रह धर्म आदि जो हैं, जो उसके अर्थ है और उसके अर्थ साधक के संसार कार्य आदि जितने हैं, जो उसकी कामनाएं हैं, जो उसकी वासनाएं हैं, ये सब यदि कृष्ण के निमित्त है तो वो उसका प्रेम का वर्धन ही करेंगे। उसकी कामना, उसकी वासना, वो कामना वासना मतलब जो भी उसकी संसार के प्रति जितनी भी इच्छाएं हैं, जो उसके संसार के कार्य आदि हैं, ये सब किस लिए हैं? अपने भक्ति को पोषण करने के लिए, क्योंकि प्राइमरी फोकस उसका भजन है, सेकेंडरी उसका बिजनेस है, उसका व्यापार है, है ना। तो जब प्राइमरी फोकस हमारा भजन बन जाता है, जब प्राइमरी फोकस हमारी लाइफ, ये जो अध्यात्म है हमारे जीवन में, हम सबके भीतर एक, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, हम सबके भीतर पशुता भी है जो हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न करती है, हम सबके भीतर दैवी गुण भी हैं, हम सबके भीतर अध्यात्म भी हैं,
ये हमारी चॉइस है कि अब हम यहाँ पे किसको उजागर करके क्या बने। आसुरी गुण को बनाएं तो पूरा पशु बन सकते हैं, अपने अध्यात्म का वर्धन करें तो अपने भूले हुए स्वरूप को वापस पा सकते हैं। तो इसीलिए जिसका प्राइमरी फोकस अपने भूले हुए स्वरूप को पाना है, जो गुरु आश्रित है, जो भगवान के आश्रय में है, ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है तो वो उसकी असत चेष्टाएँ निकल आएंगी। यद्यपि कर तो वो संसारिक जीवन जैसे कर ही रहा है, लेकिन उसका व्यापार उसका प्रेम वर्धन करने में ही उसकी मदद करेगा। अब इसमें बाबा बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भाव के घर में चोरी ना हो। जो आपका आपने ऐसा सोचा है, अब आप कहो नहीं जी हमारा तो सब कृष्ण का ही है, हमारी तो बाबा ने बोल दिया सब कोई असत चेष्टा नहीं है, हम चाहे जो मर्जी करें हमारी सारी चेष्टाएँ सती हैं, तो इसको बोलते हैं भाव के घर में चोरी। आपने इसका सहारा लेके अब स्वतंत्र भाव से अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी शुरू कर दी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी शुरू कर दी, ये सब करनी शुरू कर दिया, और कहो नहीं हम है तो गुरु के आश्रित तो हैं ही हैं, हम तो भजन ही कर रहे हैं, और फिर उसके बीच में हम इंद्रिय तृप्ति भी अपनी खूब कर रहे हैं, तो वो जो इंद्रिय तृप्ति वाला जो आपका स्वतंत्र काम है, इसमें वो स्वतंत्र काम जो है वो असत चेष्टाओं में ही उसकी गणना होगी, है ना। हम मुँह से तो बोलें कि मैं ये सब ठाकुर जी का ही है, ऐसे बोलते ना ये सब, अब जी कोई नहीं इतना बड़ा घर ले रहे हैं सब करें, सब ठाकुर जी का ही है जी, कोई नहीं भगवान के लिए बना रहे हैं, ऐसे करके और अपनी इंद्रिय तृप्ति करे। बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो ठाकुर जी का रथ ही आ रहा है जी, हमारे ठाकुर जी इसमें घूमेंगे, तो ऐसा बोल बोल के इंद्रिय तृप्ति करे, और फिर बोले कि नहीं हमारे तो बाबा ने बोला ये सब, हम तो भक्त गृहस्थ हैं, हमारी सब सब चेष्टें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो बोल रहे ये तो गलत हो जाएगा। तो इस असत चेष्टा की तरह भक्त को लाभ पूजा प्रतिष्ठा, अब ये जो असत चेष्टा है इसी की तरह हमें और किससे बचना चाहिए, जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की जो प्रबल अंतराएं हैं उसको भी त्यागना होगा। ये हमारे भीतर जो एक इच्छा कामना बनी रहती है, और ये बनती कब है, ये भजन के बाद ही बनती है ज़्यादा, एक संसारिक जीव के अंदर ये कम होती है, और भक्ति करने के बाद जरा ये ज़्यादा आने लगती है कि लोग मेरे से रिस्पेक्ट से बात करें, आप करके बात करें, सर झुका के प्रणाम करें, आके दंडवत करें, ये सब करें, ये सब बातें, इसीलिए इनको भक्ति उत्थान अनर्थ में इनकी गणना की जाती है। ये भजन के रूप में ही आती हैं, और बोलते ये अनर्थ बाबा बोलते आते कैसे, अपने भजन का ही परिचय देते हैं, मगर चोरा वाली की तरह भक्त की भजन नौका जो है वो रसातल में गिरा देते हैं, उसकी भजन रूपी जो नौका है वो पूरी नीचे डूब जाती है यदि उसके अंदर ऐसी प्रतिष्ठा आशा की इच्छा आ गई तो। बिल्कुल उसी तरह के जैसे एक हाथी पे राजा सवार होके जा रहा है तो सब लोग फूल चढ़ाते हैं, सब वो करते हैं, जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, और वो हाथी सोच ले कि पता नहीं मैं ही कोई खास चीज़ हूँ, कि देखो मैं चल रहा हूँ तो सब लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और यदि वो कोई अपने दो पैर उठा के एकदम ऐसे करे और राजा नीचे गिर जाए तो उसी हाथी को सब भाले से और डंडे से मारेंगे, तो तब समझ में आता है कि मेरे लिए नहीं था वो हाथी के ऊपर जो राजा बैठा है, इस वजह से हाथी की भी जय जयकार हो रही है, हाथी को भी लोग खाना खिला रहे हैं, हाथी की भी आरती उतारते हैं, क्योंकि उस हाथी के ऊपर राजा बैठा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को समझना चाहिए कि जो वाणी हमारे भीतर से आ रही है वो सब गुरुदेव की है, ये वाणी गुरुदेव की है, जो ये कंठी माला है जिसको लोग देख के प्रणाम करते हैं ये भी गुरुदेव की दी हुई है, ये वस्त्र जो हमने पहने हुए हैं जो वैष्णव वस्त्र हैं ये भी गुरुदेव की कृपा से ही हमें प्राप्त करा है, तो इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। यदि हम किसी दिन ऐसा समझ लें कि मेरे कारण लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी वाणी के कारण, मेरे सद्गुणों के कारण, तो वो हमारा हाथी जैसा ही हाल होगा, कि अगर अपने पे ले लिया कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है तो वही लोग एक दिन आपको जूते चप्पल भी मारेंगे अगर ऐसा करा। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये जितनी भी प्रतिष्ठा मिल रही है पूजा जो भी सब लोग प्रणाम करें वो तुरंत अपने गुरुदेव को ही प्रणाम करना चाहिए कि ये केवल आप ही की लिए है, आप ही इसी के अधिकारी हैं इन सारे प्रणाम के, वो लेना नहीं चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने भी प्रतिष्ठा को बोला है ये धृष्ट स्वपच रमणी है, प्रतिष्ठा आशा धृष्ट स्वपच रमणी में हृदय नतेत कथम साधु प्रेम स्पृशति शुचिर तनु मनः। ये हमारे अपने मन को वो मना शिक्षा में ये संदेश दे रहे हैं कि हे मन, ये प्रतिष्ठा रूपी जो धृष्ट स्वपच रमणी है ये हृदय में नृत्य कर रही है,
स्वपच रमणी में हृदय नटेट, ये नृत्य कर रही है हमारे हृदय में। कौन? ये स्वपच रमणी रूपी जो प्रतिष्ठा आशा है, जो हमारे अंदर ये रिस्पेक्ट लेने की जो ये टेंडेंसी है, इसको बोला गया है स्वपच रमणी। और धृष्ट मतलब निर्लज, हमारे हृदय में ये नाच रही है। साधु प्रेम अगर ऐसा होगा तो साधु प्रेम ऐसे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता। जिस हृदय में ये वासना है प्रतिष्ठा आशा की, उस हृदय को साधु प्रेम कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ये किसी भी प्रकार साधक का हृदय छोड़ती नहीं है, एक बार भीतर आ जाए तो प्रतिष्ठा आशा, इसीलिए इसे निर्लज कह के पुकारा गया। श्री हरि भक्ति विलास में बोला, जो सब लोग जो भक्ति में आते हैं वो अपना सर्वस्व जो है वो त्याग करके आते हैं और समर्थ होते हैं अपना सब त्याग करने में, मगर सर्वस्व त्याग करने के बाद भी ये प्रतिष्ठा आशा रूपी वासना में फंस जाते हैं और इसको त्याग करने में समर्थ नहीं होते। जिस व्यक्ति ने स्त्री का त्याग कर दिया, धन धान सारा त्याग कर दिया, अपनी जमीन अपने परिवार का भी त्याग कर दिया, वो भी आखिरी में आके प्रतिष्ठा रूपी आशा से बच नहीं पाता, क्योंकि फिर उसके अंदर इसी बात का अहंकार जन्म ले लेता है कि मैंने तो सब त्याग दिया, मेरे को कुछ रोक नहीं पाया, कितना मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था, घर था, जमीन थी, मैं सब छोड़ के आ गया। जैसे ही ये अहंकार उसके भीतर आया, अब इस अहंकार की कीमत, ये त्याग की कीमत मांगना शुरू हो जाता है वो अहंकार, और इस सारे त्याग की कीमत किस रूप में मिलेगी? प्रतिष्ठा रूप में, जो वो लेना चाहता है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बोला कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा को भक्ति कल्पलता की उपशाखाएं मानना होगा। उपशाखाएं मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमने एक पौधा लगाया, अब रोज उसको जल देते तो देखते साथ में थोड़ा और भी खरपतवार हो गई और उपशाखाएं जो उसके साइड साइड में भी और उग गई। तो इस प्रकार से जो ये खरपतवार है, ये जो हम जल दे रहे हैं अपने पौधे को, वो उसकी जगह उसकी या तो उपशाखाएं बढ़ रही हैं या वो खरपतवार उसमें बढ़ती जा रही है। तो मूल कल्पलता जो है वो बोलते हैं वो स्तब्ध हो जाती है, वो बढ़ नहीं पा रही और बाकी दूसरी बढ़ रही है। सेक जल पाइया उपशाखा बढ़ी जाए, स्तब्ध हैया मूल शाखा बढ़ीते ना पाए। जो मूल शाखा जो हमारी भक्ति है वो तो बढ़ नहीं रही है। अब सारा भजन किस लिए हो रहा है? ये भजन रूपी साधना रूपी जो हम जल डाल रहे हैं ये किस लिए डाल रहे हैं? कि मेरी प्रतिष्ठा हो जाए। तो जीव बढ़िया बढ़िया जो है श्लोकों को याद कर लेता है, यहाँ से ये असल में क्या होता है, जो सद्भक्त हैं, जो आचार्य हैं, उनको वो श्लोक जो है वो याद हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी बात है। अब ऐसा होता है ना, हमने भी कोई अच्छी बात सुनी, पिक्चर का अच्छा डायलॉग सुना, आपके हृदय में चिपक गया वो, अब एक दो चार लोगों को वो डायलॉग चिपका ही देते हो इधर उधर, क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लग गया, इम्प्रेस हो गया। तो जो साधु महात्मा हैं, जो आचार्यगण हैं, उनको ऐसे श्लोक जो हैं वो हृदय को स्पर्श हो जाते हैं, तो वो श्लोक स्वतः उन्हें याद हो गया, वो उनकी कथा में वो बोलते हैं। अब जो व्यक्ति प्रतिष्ठा आशा चाहता है वो क्या करता है, ओहो ये वाले जो कथा करते हैं, चार श्लोक सुनाते हैं, लोग बड़ी ताली बजाते हैं, तो मैं भी पाँच बढ़िया बढ़िया श्लोक याद करके वहाँ पर जाके सुनाऊँगा। अब ये जो जबरदस्ती याद करके सुनाने की जो प्रवृत्ति है, ये किस लिए है? केवल प्रतिष्ठा आशा के लिए, कि ये ऐसे 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 करके सुनाएंगे। असल में जो कथा होती है तो उस कथा की बहुत तैयारी नहीं की जाती है, वो तैयारी करके कथा लेने वाली, कथा तैयारी करके लेने जाने वाली चीज़ नहीं है। आप जो आपके हृदय में है वो निकलेगा। अगर आपके हृदय में यही बात है, यही विचार है, तो वही कथा में निकलेंगे, और अगर आपके हृदय में ये सद्विचार नहीं है तो फिर आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। एक एक हफ्ता आपको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ इधर सुनना उधर सुनना, ये किताब वो किताब चार चार खोल के आप तैयारी करके लेके जाओगे। तो ये जो आचरण है ये केवल प्रतिष्ठा के लिए ही जीव किया करता है, नहीं तो ऐसा जीव जिसको इतनी तैयारी करनी पड़ रही है उसको ऐसा होना चाहिए कि मैं कथा लेने का अधिकारी ही नहीं हूँ, आप ये जगह यहाँ से पढ़ लो ये सुन लो। तो प्रतिष्ठा आशा बड़ी भीतर छुपी होती है, वो आती कैसे है? वो आती भजन के रूप में ही है। वो जीव ये बोलता है कि मैं कथा लूँगा, हजार लोगों का मेरे द्वारा कल्याण होगा, तो इसीलिए मेरे को अच्छे से ज़रा तैयारी करके अच्छे अच्छे श्लोकों का चयन करके याद करके वहाँ पे इस प्रकार से बोलना है। अब आई कैसे? आई भजन का रूप लेके, आई कल्याणकारी का रूप लेके, कि मैं सबका कल्याण कर रहा हूँ, पर हो किस लिए रहा है? वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये सब कुछ हो रहा है।
प्रथम ही उपशाखार करिए छेदन, तबे मूल शाखा बड़ी जाए वृंदावन। सबसे पहले जैसे ही उपशाखा आए वैसे ही इसका छेदन कर दो, जैसे ही प्रतिष्ठा आशा आपके भीतर आए वैसे ही उसको हटा दो। तबे मूल शाखा बड़ी जाए वृंदावन, तभी आपकी जो मूल शाखा है वो वृंदावन पहुंचेगी, तभी आपका भजन जो है वो आपको वृंदावन लेके जाएगा, तभी ये प्रेम जो है ये राधा रानी के चरणों में पहुंचेगा, जब आप प्रतिष्ठा आशा रूपी उपशाखा हटा दोगे, है ना। नहीं तो जीव के भीतर यही रहती है, बड़ा प्रोग्राम हो, बड़ा पंडाल हो, बड़े लोग आए, ये आए, मेरे द्वारा सबका कल्याण हो, जी ठाकुर जी ने अगर दी है तो हमें, अगर कुछ दिया है तो हम तो सबकी सेवा ही करना चाहते हैं, बांटना, ऐसे कर करके प्रतिष्ठा आशा रूपी हमारे भीतर ऐसे आ जाती है कि हमारे इतने सारे फॉलोअर होना चाहिए, कथा में हम एक घंटा लेट आए, थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए तभी हम पूछ, बहुत सारी ऐसा नहीं कि केवल कथावाचक के अंदर, श्रवणकारी के अंदर भी आ जाती है कि हम आगे बैठे हमें एकदम ऐसे देखते ही महाराज पहले हमें प्रणाम करे, बाद में दुनिया उनको प्रणाम करे, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो प्रतिष्ठा आशा है उसका कोई अंत नहीं है, आप किसी भी अवस्था में वो प्रतिष्ठा आशा आ जाएगी। माइक लगाने वाले के अंदर भी आ जाती है कि भैया मैं ही माइक लगाता हूँ, मुझे ही पता है कि कैसे माइक महाराज जी के लिए लगाया जाता है, कैसे कैसे इनको महात्मा को अच्छा लगता है, वो मुझे ही पता है, वो मेरे से ही आप नहीं कर पाओगे। पानी देने वाले के अंदर भी आ जाती है, वो मेरे हाथ का ही पियेंगे, नहीं आपने आपके हाथ का नहीं पियेंगे, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाले के अंदर, किसी के अंदर भी आ जाती है ये प्रतिष्ठा आशा जो है, कोई कुछ नहीं कर रहा ना उसके अंदर भी ये प्रतिष्ठा, उनको पता है मैं अपना बैठ के सिर्फ भजन में ये सब कामों पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, उसके अंदर भी आ जाएगी। वो कोई सेवा नहीं कर रहा, वो कह रहा है सब जानते हैं कि मैं एक बारी मैं जब तक कथा नहीं शुरू होगी तब तक मैं अपना नाम ले रहा हूँ, जब कथा शुरू होगी तभी बस कथा शुरू, फिर नाम। तो ये लोगों को भाग दौड़ करने दो, ये जल लेके माइक लेके ये सब कर गया, उसके अंदर भी ऐसी आ जाती कि मेरी ऐसी प्रतिष्ठा हो जाए लोग समझेंगे। तो कोई अंत नहीं है प्रतिष्ठा आशा का, ऐसे नहीं है कि हम कहे भैया महाराज आप ही बच लो, आपको आप कथा करते हो आप ही देखो आपके अंदर आ रही कि नहीं आ रही, हम तो ठीक ही हैं, ऐसा नहीं है। किसी के भी अंदर आ जाते हैं, किसी के भी, और मतलब सबके अंदर, एक बात समझो कि हम सबके अंदर विद्यमान है, जैसे मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि हम सबके भीतर कैंसर सेल्स हैं, सबके भीतर है, पर हमारी इम्यूनिटी जो है उससे लड़ाई कर रही है, उनको बढ़ने नहीं दे रही, और किसी दिन वो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई तो वो बढ़ गए, तो फिर वो बोलते हैं ये कैंसर का पेशेंट हो गया, पर कैंसर सेल्स सबके अंदर है ऑलरेडी। तो ऐसे ही ये सारे जो रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे, ये प्रतिष्ठा आशा, ये सब जो है ये सब हमारे भीतर हैं, हमें अपनी साधना से, अपनी सही कृषि कार्य से ये उपशाखाओं को बढ़ने नहीं देना, हमें अपने भजन साधन को ध्यान रखना है कि वो मूल शाखा में ही जाए, वो मेरा जो ठाकुर के प्रति, मेरा जो राधा रानी के चरणों के प्रति प्रेम है वो उसी का वर्धन करे और किसी का वर्धन ना करे, ये हमें हर समय साधक को ये ध्यान रखना होगा, हर समय। थोड़ा सा नहीं तो ध्यान हटा तो बस इधर उधर की सारी चीजें हमारे भीतर आ जाएगी। श्री हरि के नाम गुण लीला आदि के आस्वादन के अभाव में ही बाबा बोल रहे हैं ये प्रतिष्ठा आशा जो है हृदय में अपना प्रभाव विस्तार करती है, हृदय में आनी जाती है, हृदय में अपने प्रभाव का विस्तार करती है। तो सही हम सबके अंदर आती कब है, वही जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है ना, तो वो बढ़ गए। तो जैसे ही आपके अंदर भगवान के नाम गुण लीला आदि का आस्वादन का अभाव हुआ, जैसे ही थोड़ा अभाव हुआ, क्या अभाव कैसे होगा, अभी नया नया हमने बस पिक्चर देखनी थी शुरू कर दी, बस नया नया हमने अभी किसी ने बताया तो हमें भी आदत लग गई मॉल घूमने की, किसी ने हमारे अंदर इन्फेक्शन डाल दिया, हम भी अब माइंत्रा और अमेजॉन खोल के बैठ के देखने लग गए। अब क्या हुआ, ये आपके भजन का अब अभाव हुआ, आपका इंटरेस्ट दूसरी जगह संसार में लगना शुरू हो गया, था नहीं बैठे थे किसी के साथ, वो भी वैष्णव ही थे तो वैष्णव के साथ तो बैठना ही चाहिए। हम मैंने बहुत पहले बताया था कि वैष्णवों के साथ सत्संग हो रहा है जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा कि वैष्णवों के बीच में बैठ के भी हर समय बस उनका संग करना सत्संग नहीं होता, वो ही एक दूसरे का, तू अमेजोन देख, तू मंत्रा देखा कर, उसमें बड़ी अच्छी सेल आती है, ये आती है, और नहीं मैं तो आजकल अजियो देखा, चलो मिल के महाराज दोनों ते तीनों एप्लीकेशन डाल ली, चलो दोनों मिलके तीनों मिलके देखा करेंगे। अब सत्संग थोड़ी हुआ, कुसत्संग हो गया, ये तो कुसंग हो गया। तो इससे बचना चाहिए, साधु समाज में भी, वैष्णवों के बीच में भी बैठे हैं तो हरी चर्चा ही करें,
कुछ अपने कल्याण की बात करें, कुछ अपनी कमी बता के इसका निवारण कैसे होता है उसकी बात करें, इस तरीके की चर्चा ही करनी चाहिए कि जब मिलके बैठे तो कैसे हमारा कल्याण हो सकता है। और जब ये नहीं करते तो हमारा जो ये भजन का गुण लीला आदि का अभाव हो गया, जैसे ही एक ने दूसरे को आदत डाली, दूसरे ने तीसरे को डाली, एक वैष्णवी दूसरे के आगे बड़ी गाड़ी लेके फ्लॉट करने आ गया, देखो देखो हमने ये बड़ी गाड़ी ली है, ये लिए वो लिए, चार लोगों के अंदर नहीं थी इच्छा, उसके अंदर भी आ गई कि यार हम भी लें, हमारा भी ऐसा हो, ये हो, ये सब करने से जो होता है ये कुसंग हो गया, हमारे भजन का अभाव हो गया इसमें। और जैसे ही भजन का अभाव हुआ तो ये जो पनपने लगती हैं चीज़ें, हृदय के भीतर काम पनपने लगेगा, लोभ पनपने लगेगा, वासनाएँ बढ़ जाएंगी, प्रतिष्ठा आशा बढ़ जाएगी, है ना, तो ये सब मात्सर्य बढ़ जाएगा, इसने ले लिया हम नहीं ले रहे, हम ले नहीं पा रहे, तो जो नहीं ले पा रहा है वो मात्सर्य करेगा, जो ले पा रहा है वो लोभ करेगा, इससे बड़ी लेके आता हूँ, तो इन सब से बहुत बचना चाहिए। इसीलिए शुरू में बोला ये सब असत चेष्टाएँ हैं, ये असत चेष्टाएँ हैं, जो भक्त हैं उनको इन सबको सेकेंडरी रखना चाहिए। आई विल नॉट रिस्पेक्ट द वन हु इज़ कमिंग इन बिग कार, आई विल रिस्पेक्ट द वन हु हैज़ गुड आचरण, जिसका स्वभाव अच्छा है, मेरे लिए वो बड़ा है, मैं उसका संग करना चाहूँगा, मैं उसके पीछे नहीं कि इसका बड़ा घर है, इसकी बड़ी गाड़ी है, ये सुंदर दिख रहा है, ये है, इसके पीछे नहीं। सद आचरण क्या होगा, जिसका सद स्वभाव है मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा, इसके पीछे भीड़ भागती है इसलिए हम भी इसके पीछे भागे नहीं, जो अच्छे से बात कर रहा है, जिससे बात करके हमारा भजन बढ़ता है, मैं उसका संग करना चाहूँगा। ये प्रवृत्ति जो है ये सद प्रवृत्ति है, और इसके अलावा जो प्रवृत्ति है वो असद प्रवृत्ति है। तो भजन निष्ठ साधक यथा लाभ से संतोष, ये बाबा यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो भजन निष्ठ साधक है वो यथा लाभ, जितना लाभ हो रहा है उससे संतोष रखता है, जो मिल रहा है वो उससे खुश है कि भगवान जितना दे रहे हैं, जो मेरे साथ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। दैन्य विनय आदि इस गुणों से भूषित होकर, उसके भीतर दैन्यता, तो मैं बता रहा हूँ हर चीज में आप देखोगे हर एक के सॉल्यूशन में ये दैन्यता जरूर आएगी। जब तक जीव अपने आप को दैन्य नहीं समझेगा, अपने आप को सबसे छोटा नहीं समझेगा, कोई व्यक्ति अपने आयु से अपने आप को बड़ा समझे, कोई व्यक्ति अपने सोशल स्टेटस से अपने आप को बड़ा समझे, कोई अपनी विद्या से अपने आप को बड़ा समझे, कोई अपने ज्ञान से अपने आप को बड़ा समझे, वो सब माया के अंदर है, ये सब अभी माया के ही अलग अलग रूपों से प्रभावित है। सबको दैन्य रखना चाहिए, कोई इस भाव में ना रहे कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मेरी दीक्षा 15 साल पहले हुई थी, इसकी तो अभी हुई ही नहीं, अभी तो ये आए हैं, ये है, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपका व्यवहार आपके भीतर ये अहंकार लेके आ रहा है तो दैन्यता नहीं है आपके अंदर। तो दैन्य भाव क्या है कि मैं छोटा ही हूँ, अगर मुझे 15 साल हो गए दीक्षा ली और इसकी अभी नहीं हुई है तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, इन्हें आचरण दिखना चाहिए कि 15 साल पुराने जो भक्त हैं उनका क्या आचरण है। अगर 15 साल आचरण ऐसा है कि वो ऊपर बैठे और नीचे जो आए हैं वो उनके पैर दाब रहे हैं, तो फिर आपका आपकी क्या दैन्यता है, ये आपका क्या आचरण है, आप क्या सिखा रहे हो। पैर दबाने वाला भी सोचेगा कि 10-12 साल बाद मेरे भी कोई दबाएगा, आपने अपने आचरण से क्या सिखाया। आचरण ऐसा होना चाहिए कि जीव देखे कि देखो ये भक्त है। हम लोग अभी जाते हैं तो हमारे लिए, एक बार हम, मेरे को याद है ये एक डॉक्टर के पास गए थे, आप जिस पे वो लेके गए थे, तो हम वो 3 लोग डॉक्टर के पास गए, उसके पास 2 कुर्सी आगे पड़ी थी, वो तुरंत बाहर गया अपने कैबिन से, जाके एक कुर्सी लेके आया कि आप इस पे बैठ जाइए। अब ये बात, और बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो वो बात बहुत वर्ष हो गए मगर आज भी ये बात हृदय को छूती है कि वो इतना बड़ा डॉक्टर ऐसे बोल दे, जाओ जी बाहर से एक कुर्सी ले आओ, नहीं तो डॉक्टर डांट ही देते, एक पेशेंट के लिए 3 लोग साथ में क्यों आए हो भाई, पेशेंट की तो अलग कुर्सी है, 3 लोग मेरे साथ गए थे। वो कोई बोले भाई बाहर बैठो, एक ही जना अंदर आएगा, ऐसे बोलते ही हैं डॉक्टर लोग, एक ही अंदर आएगा जी बाकी बाहर बैठो। उसने देखा 3 है बिल्कुल बाहर से जाके कुर्सी उठा के खुद लेके आया, किसी और छोटे वाले को नहीं बोला नीचे। तो ये जो आचरण है ना, ये एक बार आचरण देखा हुआ ये जीवन भर याद रहता है कि देखो व्यक्ति का कैसा है। ऐसे दैन, क्योंकि ये आचरण में दैन्यता है, दैन्यता हृदय को स्पर्श करती है, और कोई क्या ट्रीटमेंट किया कैसा किया ये सेकेंडरी रह जाता है, व्यक्ति की दैन्यता जो है वो याद रहती है। तो जो जितना पुराना भक्त है, बड़ा नहीं कहूँगा पुराना, जो जितना पुराना भक्त है उसके आचरण में उतनी दैन्यता होनी चाहिए, वो दैन्यता उसको बड़ा बनाती है। ये बड़ा नहीं बनाती कि भैया 6 लोग उसकी सेवा कर रहे हैं ना, गए ये तो बड़े भक्त हैं,
ये बड़ा भड़कपन नहीं है आपका अगर छह लोग सेवा कर रहे हैं, भड़कपन उन छह लोगों का है जो सेवा भाव सीखे है। तो हर वक्त दैन्यता ही से छोटे बन के ही रहना चाहिए, दैन्यता हो विनय हो हमारे स्वभाव में, इन गुणों से जब जीव भूषित होता है तो इन अनर्थ समूह से वो दूर रहता है। एक बात और ध्यान रखना, ज्ञान सोते मैं तो इनके सामने दैन्य रहता हूं मगर इन्होंने कभी आज तक ये नहीं बोला कि भाई मैं आपके लिए एक गिलास पानी ले आऊं, तो ऐसे में हमारी दैन्यता कुछ समय बाद खत्म हो जाती है कि जब देखो मैं इन्हें पूछूंगा, जबकि एक बार को देखा जाए ना माता जी बड़ा हूं इनसे हर लिहाज में बड़ा हूं, लेकिन तब भी मैं इन्हें पूछूंगा, अगले ने कभी नहीं कहा कि मैं एक गिलास आपके लिए मैं पानी ले आऊं। ये भाव जो हमारे अंदर आ जाता है ना, ये गलत भाव है, क्योंकि आपके भीतर जो दैन्यता है वो आप ही की रक्षा कर रही है इन सब अनर्थों से। समझ गए, मैं दैन्यता किस लिए है, मेरी दैन्यता मेरी जो इम्यूनिटी है वो मुझे मेरे कैंसर सेल से मेरी रक्षा करे, इसमें दूसरे का क्या कंपटीशन है, इसमें दूसरा आया कहाँ से, है ना। हम लोग ऐसे सोचे नहीं ये नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा, तो आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो, आपके भीतर ये कामना वासनाएं आ जाएंगी, ये आप क्यों कर रहे हो, आप तो अपनी कामना वासनाओं से बचने के लिए अपने भजन की पूर्ति करने के लिए दैन्यता दिखा रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी दिखा रहे हो, तो फिर ये मैटर ही नहीं करता कि सामने वाला क्या कर रहा है। मेरी दैन्यता मेरे भजन की पुष्टि के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने अभी दो तीन दिन पहले जब कथा सैटरडे को शायद हो रही थी, मैंने कहा था सेल्फिश बनो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, क्लियर करो अपना सेल्फ, मैं आत्मस्वरूप में अपने लिए ये कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी रक्षा कर रहा हूँ इस संसार रूपी वासनाओं से, ये संसार के अनर्थों से अपनी रक्षा कर रहा हूँ, मुझे छोटा ही बन के रहना है। जीवे सम्मान दिवे कृष्ण अनुष्ठान जाने, सबके भीतर कृष्ण अधिष्ठान, सबके भीतर कृष्ण है, ये सब भगवान के ही भेजे हुए हैं मेरे सामने, पोस्टमैन अगर हम समझ लेते हो, हैं तो सबके भीतर भगवान ही, मान लो आपके भीतर ऐसा नहीं आता अब इनको भगवान मान लो, तो जो भी आए हैं तो हृदय में तो इनके भी भगवान हैं, मेरे पास मेरे साथ जो भी कुछ कर रहे भगवान ही की इच्छा से कर रहे हैं, तो इसीलिए सब में कृष्ण अधिष्ठान जानी, हमें दैन्यता से सबके साथ रहना चाहिए। सदा चिंतो गोविंद चरण, और फिर ऐसा भाव हो जाए असत चेष्टाएं हट जाएं, उसके बाद सदा चिंतो गोविंद चरण, अब ही गोविंद के चरणों का चिंतन हो पाएगा, क्योंकि अब असत चेष्टाएं हटी है ना, जब तक ये पूजा प्रतिष्ठा आदि हमारे भीतर भाव रहेंगे तब तक कहाँ गोविंद के चरणों का स्मरण होगा, तब तक तो जीव अपने चरणों का ही लोगों को स्मरण कराना चाहता है, तो गोविंद चरणों का स्मरण कैसे होगा उसको। जब ऐसा भाव आएगा तब मन लगेगा भजन में, वस्तुतः श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के स्मरण से चित्त गोविंद में ही तन्मयता प्राप्त करता है, जो इनके नाम रूप गुण लीला हम सुन रहे हैं, जैसे बाबा बोलते ठीक उसी तरह जैसे विषयी व्यक्ति जो होता है जब वो विषयों का चिंतन करता है तो उसके मन का भी निवेश सारा विषयों में ही चला जाता है ना। हमारे जीवन में जब कोई बहुत सुखद समय आ जाए, संसारिक रूप से सुखद समय, शादी आ गई घर में, तो अब क्या है, मन हर समय विषयों में, ये लेना है वो लेना है, इस पार्टी में ये पहनेंगे इसमें ये पहनेंगे, यहाँ क्या मेन्यू होना चाहिए, यहाँ का क्या वेन्यू होना चाहिए, कितने गेस्ट लिस्ट होनी चाहिए, वो सब इसी में रमा हुआ पूरे रूप से, ऐसे लगता है मिर्गी पड़ गई है ऐसे वक्तों, भैया थोड़ा आराम से बैठ जा, भैया थोड़ा गोविंद चरणों का स्मरण कर ले, थोड़ी मानना ना प्रभु जी टाइम नहीं है अभी आज के, अब ये सब 3 महीने बाद, जैसे हमें आजकल कोई कुछ बोलता है ना, बोले भैया अभी रोज का चल रहा है, 1 महीने बाद जो भी कर रहे हैं 1 महीने बाद सुनेंगे बाद में। कितने भक्तों को मैंने मना किया अभी घर में वो मिलने के लिए, मेरे अभी बताना भैया 1 महीने का, अभी तो कोई समय ही नहीं है मिलने का। तो ऐसे ही व्यक्ति को जब शादी का माहौल हो जाता है ना, ये सब आराम से फिर बैठ के भजन ही करना है, बस एक बार ये हो जाए मेरे बच्चे का विवाह हो जाए एक बार, फिर उसके बाद तो भजन ही है, फिर सब सोच लेते हैं उसके बाद तो फिर कथा ही सुननी है यही करना, पर ये आता नहीं कभी समय। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो जब हृदय में इतना कुछ चल रहा है उस समय व्यक्ति विषयों 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 के बारे में ही सोच रहा है, उसके पास टाइम नहीं है भगवान के बारे में सोचने का। तो इसीलिए बोला गया विषयान ध्यायन, ये अलग श्लोक है, ध्यायंस तो विषय पुरुषा नहीं, ये अलग श्लोक है, विषयान ध्यायत चिंतम विषय विशेषु विसज्जते। जब व्यक्ति विषय के बारे में ही हमेशा ध्यान कर रहा है तो विषय येसु विसज्जते, तो उसके भीतर हृदय में
विषय ही घुस जाते हैं और कुछ नहीं रहता। और ऐसे ही माम अनुस्मरण निश्चिंतम, जो मेरे अनुस्मरण ही कर रहा है, मेरा ही चिंतन कर रहा है, मई एव प्रविलीयायते, वो क्या होता है, वो मेरे में ही हमेशा रमण करता रहता है। तो बात वही है जो उधर हमने भगवद गीता में पढ़ी थी, ध्यायंस्तु विषय पुंसा, यहाँ ध्यायंस्तु हरि। आप जो भी ले लो, अगर आप विषय का करोगे ध्यायंस्तु, अगर हरि पुंसा होगा तो आपका सारा ध्यान उनकी लीला में, गुण में, रूप में, इन सब में चला जाएगा। और ध्यायंस्तु विषय पुंसा होगा तो फिर उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह इस सब में आप चले जाओगे। तो आपके ऊपर आपका ध्यान किस तरफ रहता है। ध्यायंस्तु हरि पुंसा नाम रूपी उपजायते। जैसे विषय ध्यान में असक्त चित विषयों के माधुर्य में ही मग्न हो जाता है, ऐसे ही भगवत चिंतन आदि की भी यही सामर्थ्य होती है। उसका चिंतन करने वाला वह मेरे ध्यान में, भगवान बोल रहे हैं, असक्त चित मेरे माधुर्य में ही निमग्न रहता है। जो मेरा ध्यान करेगा वो फिर मेरे माधुर्य में ही निमग्न रहेगा। जैसे अब रोज सब कथा सुन रहे हैं तो जब बैठेंगे, अरे मेरा वो एक क्वेश्चन था आपने जो पिछली बार कथा करी, अच्छा मेरा ये क्वेश्चन था आपने ये बात कैसे बोली। अब कितने सारे प्रश्न ही होते हैं कि दो दो तीन तीन घंटे हम लोग देते, प्रश्न ही खत्म हो गए, प्रश्न उत्तर होते होते वही खड़ा हो। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रोज यही ध्यान हो रहा है, बस यही चिंतन हो रहा है, यही कथा हो रही है, यही बात हो रही है, और कोई बात करने का भी तो अवसर ही नहीं है कुछ और चिंता करने का। तो यही भगवान बोल रहे हैं, ये जीवन होना चाहिए। ये जो अधिक मास है, ये जो कार्तिक मास है, ये दिखाने के लिए है कि यही वास्तव में सारे मास यही होने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही जीवन होना चाहिए। रोज कथा हो रही है, रोज अध्ययन हो रहा है, रोज सबका श्रवण हो रहा है, तो बात नेचुरली यही होगी। अब आपको बहुत जोर नहीं लगाना पड़ रहा है कि यार विषयों की बात नहीं करेंगे, कथा की बात ही करेंगे, जोर नहीं लगाना पड़ रहा। इतने सारी जो आप सुनाए जा रहे हो उसमें से इतने सारे जो डाउट आ रहे, क्वेश्चन आ रहे, नेचुरली उसी पे बात होगी। और अगर ये छोड़ के विषयों पे बात करे तो आदमी कथा पे कब आए, पहले तो विषयों की। अच्छा आपने वो जो पहले इतने सारे प्रिंट्स भेजे थे, पहले उसमें से सिलेक्ट करके बताओ कौन सा सूट अब हम सब ने इकट्ठे पहनना है, फिर ये हुआ, फिर अच्छा इसके साथ हमने क्या मैचिंग पहनना है, क्या मैचिंग ज्वेलरी होगी, ये उससे आदमी वहीं चलता जाएगा। जहाँ जिसका चिंतन हो रहा है वो व्यक्ति बिल्कुल उसी में, वहीं उसी तरफ, उसी साइड पे चलता जाएगा। और अब जैसे हो रहा है तो इसमें अन्य विषयों का चिंतन करने का समय ही नहीं है। ऐसा करने से ठाकुर महाशय बोल रहे क्या होगा, क्या लाभ हो रहा है इससे, सकल विपत्ति जाए, सारी विपत्ति आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जब विपत्ति खत्म हो जाएगी तो क्या मिलेगा, माँ आनंद सुख पाए, और माँ आनंद सुख पाएगा तो क्या बोलेगा, प्रेम भक्ति परम कारण, यही कारण है जिसके कारण आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब त्याग कर सतत गोविंद चरण चिंतन किया जाए तो साधक की सभी विपदा जो है वो दूर हो जाती है। हमारा प्रश्न होता है कि भैया सारी ये जो इतनी सारी विपदाएं हैं ये कैसे दूर होगी, तो ये उसका उत्तर है। ये सारी विपदाएं क्यों हैं, क्योंकि हमारे हृदय में विषय घुसे हुए हैं और विषयों से ही विपदा का जन्म होता है। क्योंकि सारे विषयों को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, सारी पूर्ति आपकी कामना की हो नहीं पा रही है, तो नहीं हो पा रही है तो ही अलग 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 जो कामना पूर्ति में विवधान आ रहा है वही हमारी विपदा है। हमारी विपदा क्या है, यार ये हो नहीं पा रहा, ये करना चाहता हूँ ये हो नहीं रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये वैसे नहीं हो रहा, ये क्या है, ये विपदा। ये सारी विपदा ही दूर हो गई, विषय का ध्यान ही नहीं है, संसार की तरफ ध्यान ही नहीं है, और अध्यात्म में कोई रोकने वाला नहीं है। जितना मर्जी ऊपर जाओ, जितना मर्जी बढ़ो, सब आपका सहयोग कर रहे हैं, है ना। सिर्फ हमें ध्यान रहे हमारे भीतर, ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं है। इसीलिए बाबा यहाँ बोले यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा त्याग कर सतत, क्योंकि ये भक्ति उत्थान अनर्थ है, इसका खास ध्यान रखना। आपने सारे विषयों का चिंतन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अंत में ही आएगा लाभ पूजा प्रतिष्ठा। इसीलिए खास बोला गया इसको त्याग कर अगर गोविंद चरण चिंतन किया जाए तो साधक की सारी विपदा दूर हो जाती है, महा आनंद का अतिशय सुख संपदा उसको प्राप्त होती है। असत चेष्टा त्यागने का, लाभ पूजा प्रतिष्ठा त्यागने का, निरंतर गोविंद चरण पदारविंद चिंतन को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रेम प्राप्ति करने के जो इच्छुक हैं वो प्रत्येक साधक का ये कर्तव्य है, जो पहले बोला गया क्या कर्तव्य है, ना करी हो असत चेष्टा, पहली बात। दूसरी,
और ना हो आपके भीतर लाभ पूजा प्रतिष्ठा, फिर क्या होगा, सदा गोविंद चरण स्मरण करना होगा, सदा चिंतो गोविंद चरण। ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा त्याग के, असत चेष्टा त्याग के, इससे मिलेगा क्या, सकल विपत्ति खत्म हो गई, महा आनंद सुख प्राप्त हो गया और अंत में आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण पदारविंद युगल की निरंतर स्मृति समस्त अमंगल विनाश करती है और परम मंगल का विस्तार करती है। जितने अमंगल चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी और परम अमंगल क्या है कि हमें प्रेम प्राप्त हो जाए, कि हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, भगवान की स्मृति हो जाए, उनके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, इस जगत की आसक्ति छूट के उनसे हमारी आसक्ति हो जाए, ये हमारा परम मंगल है। ये प्राप्त हो जाएगा यदि हम ये दो चीज़ें कर लें, असत चेष्टाएं हटा दें और पूजा प्रतिष्ठा जो हमारी है इससे अपने आप को दूर कर लें। पहले नंबर पर असत चेष्टा और फिर बाद में ये विपदा आएगी पूजा प्रतिष्ठा की, उससे भी अपने आप को साइड कर लें, फिर कोई रुकावट नहीं है भजन को पाने की। और इसके साथ हाँ, सतत गोविंद स्मरण, सतत चिंतो गोविंद स्मरण, ना करने वाला तो कर दिया ऐसा भी होता है, और करने वाला कार्य नहीं किया तो थोड़े दिन में फिर वहीं से भर जाओगे। जब एक गिलास खाली किया है तो उसको वापस भरना भी तो है, आनंद तो हर जीव को चाहिए। अभी आपको संसार में आ रहा है मगर ये निकृष्ट आनंद है तो मगर बड़ा निकृष्ट है, तो इसको हटाया और फिर परम मंगल जो परम आनंद है उससे भर दिया तो बस फिर कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज की त्रिपति वे इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे।